गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं सबको लेकर आ गया हूँ भाई टीआर पार्क। दोस्तों आज मैं सभी को लेकर आ गया हूँ भाई चित्रांचल पार्क में। इसका मैं सभी को जो है दुर्गा पूजा जो कि इस साल मनाई जा रही है, दुर्गा पूजा जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर चित्रांचल पार्क में किस तरह जो है दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है। बाकी अंदर माता दुर्गा के जो है मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा। बाकी यहाँ जो है कह रही हूँ कि यहाँ पर सिंगिंग का यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पर गाया जा रहा है ये दिखाऊंगा। बाकी फूड कोर्ट एरिया जो है ये मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। बाकी यहाँ की इन्फॉर्मेशन क्या है, आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, यहाँ की नियरेस्ट मेट्रो क्या है, यहाँ की टाइमिंग क्या है, इन सभी जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई दोस्तों आज से जो है यहाँ पर दुर्गा पूजा की शुरुआत जो है आज से हो गई है। 20 तारीख से जो है यहाँ पर चित्रांचल पार्क में दुर्गा पूजा भाई काफी ज्यादा भव्य तरीके से जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। माता को लाया गया है और कितनी फीट ऊंची जो है माता जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी के जो दर्शन है आज मैं इस ब्लॉग में आप सभी को कराने वाला हूँ। बाकी जो है दोस्तों पूजा की शुरुआत जो है शाम को 7 बजे से दुर्गा यहाँ पे सीआर पार्क में यहाँ की जो स्टार्टिंग है ये हो जाती है शाम को 7 बजे से। और ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम जो चलता है ये चलता है भाई रात के 10 या 11 बजे तक। बाकी बात करें दोस्तों के सीआर पार्क तक आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं भाई मेट्रो, तो दोस्तों यहाँ की सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो रहेगी वो है दोस्तों नेहरू इनक्लेव की। वहाँ से जो है 20 मिनट में आप वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ तक आप जो है सीआर पार्क तक आप पहुँच सकते हैं। बाकी देख सकते हैं भाई ठीक सामने आपको जो है यहाँ पर दुर्गा पूजा समिति सीआर पार्क जो यहाँ पर दुर्गा पंडाल लगाया गया है ये आप ठीक सामने मेरे देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर जाने की लाइंस आप यहाँ देख सकते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा जो है कितने सारे भक्त जो है माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आए हुए, ये देखिए कितने लोग अंदर जा रहे हैं यहाँ से। तो वही चलिए अब जो है लाइन में लगते हैं फटाफट और लेकर चलते हैं माता दुर्गा माता के दर्शन कराने के लिए आप सभी को सीआर पार्क पंडाल के अंदर। चलिए ये देखिए भाई कितनी लंबी लाइन यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको। तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ जो है लाइन में अब हम लग गए हैं। ये देखिए अब आप सभी को जो है माता रानी के दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं सीधा दुर्गा पंडाल के अंदर। कि यहाँ का माहौल देख सकते हैं भाई यहाँ पर हर एक पेड़ पे हर एक एक एरिया में लाइटनिंग्स कितनी की गई है यहाँ पर, ये देखिए ये देख सकते हैं पीछे भी कितनी सारी लाइट्स हैं। कितने अंपारी आ गई है आप सभी को जो है यहाँ से अंदर लेकर जाने की। ये देखिए भाई कितनी भीड़ है यहाँ पर देख रहे हैं और सभी अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आप सभी को जो है यहाँ पर लोग नजर आएंगे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। ये चीज़ भाई काफ़ी खास है और काफ़ी बेहद खूबसूरत लग रही है चीज़ देखने में। ये देखिए अब पहुँच रहे हैं पंडाल की तरफ। ये देखिए भाई यहाँ से हो रही है एंट्री, ये देखिए ये देख सकते हैं भाई यहाँ लेकर आ गए हमको सीआर पार्क के अंदर आ चुके हैं अब हम। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से जो है अपनी एंट्री हुई है और यहाँ से चेकिंग करने के बाद अब हम आ गए हैं आप सभी को लेकर सीआर पार्क के अंदर। ये आप देख सकते हैं भाई कितना भव्य जो है इस साल इतना सुंदर यहाँ पर पंडाल जो है ये सजा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कितना भाई हल्का हल्का ब्राउन और रेड को मिक्सचर करके और वाइट जो है हल्का हल्का यहाँ का इंटीरियर जो है यहाँ पंडाल का दिया गया है भाई। इतना बढ़िया पंडाल इतना हमें सुंदर देखने को मिल रहा है तो अंदर कितना सुंदर जो है ये हमें दुर्गा पूजा देखने को मिलेगी। बाकी भाई काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर जो है ये होने वाले हैं। बाकी आपको बाहर देखने को मिल जाएंगे दुर्गा पूजा के कई सारे पोस्टर्स जो है यहाँ पर लगा दिए गए हैं ये देख सकते हैं। तो चलिए अब जो है लेकर चलते हैं आपको दुर्गा पंडाल के अंदर। चलिए कि भाई कितने प्यारा देखिए शंख भी बनाया गया है यहाँ पर। तो चलिए अब जो है ले रहे हैं पंडाल के अंदर एंट्री है आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया शानदार जो है इतनी भीड़ भाई दुर्गा पूजा में यहाँ कभी देखने को नहीं मिली इतनी भीड़ जो यहाँ हमें देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं ये देखिए देख सकते हैं भाई यहाँ पर कई सारे जो है कॉन्सर्ट्स यहाँ पर होते हैं जो कि अलग अलग काफ़ी बड़े बड़े सिंगर जो है यहाँ आएंगे स्टेजेस पे। और इसी के साथ में फूड कोर्ट एरिया आपको जो है इस तरफ देखने को मिल जाएगा और अगली बात ये है कि भाई दुर्गा माता के दर्शन आपको यहाँ करने को मिल जाएंगे। आइए अब आपको जो है पंडाल में एंटर करते हैं आपको दुर्गा माता के दर्शन करा दिए जाएंगे।
मिलानी कल्चरल एंड वेलफेयर एसोसिएशन की 32वीं दुर्गा पूजा का पंडाल बंगाल के वैष्णोपुर मंदिर के डिज़ाइन पर तैयार किया गया है। भाई इस साल जो पंडाल तैयार किया गया है ये टेराकोटा डिज़ाइन पर बनाया गया है। इसके लिए मिट्टी की टाइल्स भी बंगाल से लाई गई हैं। बंगाल और मुंबई से कलाकार भी यहाँ पर लाए गए हैं। ये मंदिर 650 साल पुराना है। इस वक्त की तरह देवी की पूर्ति को पारंपरिक रूप दिया गया है। 19 अक्टूबर यानी पंचमी से उत्सव शुरू हो गया है और मेन जो है 20 तारीख को उत्सव बनाया जा रहा है। सप्तमी से हर इलाके में पंडाल की भीड़ नज़र आएगी। इस बार जो है दोस्तों सीआर पार्क के मशहूर मेला ग्राउंड जिसमें माता को विराजमान किया गया है, अब की बार भाई बताया जा रहा है कि दुर्गा माता जो है इस बार मूर्ति 14 फीट ऊंची देवी की मूर्ति जो है यहां पर दर्शन के लिए लोगों के लिए लाई गई है। देख सकते हैं भाई यहाँ जो है दुर्गा माता को तैयार किया जा रहा है, उनको जो है माला पहनाई जा रही है। ये चीज भाई काफी खास हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा की जो माता है भाई दुर्गा माता अब की बार भाई कहीं ज्यादातर इको फ्रेंडली जो है इस साल लाई गई है। अब आप जो है माता के अंगारों के दर्शन कर लीजिए।
देख सकते हैं भाई, यहाँ जो है इतने एरिया में जो है इनका रिसेप्शन बना रखा है दुर्गा पूजा पंडाल समिति के अंदर, जो इनका पूरा जो रिसेप्शन है यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, जैसे कि आप माता के दर्शन करेंगे दुर्गा माता के, उसके बाद आप जो है यहाँ पर बैठ के यहाँ पर जो प्रोग्राम होने वाले हैं कल्चरल प्रोग्राम उनका आनंद आप ले सकते हैं। उसी के ठीक लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जो है यहाँ पर फूड कोर्ट एरिया देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ और देखते हैं यहाँ पर हमें फूड कोर्ट में हमें कौन कौन से फूड जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भाई कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल भी लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं चुस्की और भेलपूरी जो है यहाँ पर आप खा सकते हैं। जो है दोस्तों यहाँ पर आपको इस बार चुस्की और भेलपूरी जो है यहाँ पर खाने को मिलेगी, ये देख सकते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी आइसक्रीम आप यहाँ खा सकते हैं, बाकी देख सकते हैं भाई यहाँ पे आपको फ्रूट आइसक्रीम भी यहाँ पर खाने को मिल जाएगी। ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है दुर्गा पूजा पंडाल में। और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या हमें खास यहाँ देखने को मिलता है। देखिए भाई यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल पर्स और ज्वेलरीज और भी कई सारे जो है डेकोरेटिव आइटम आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। भाई कितना बड़ा जो है ये बिहारी व्यंजन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, भाई काफ़ी खास है यहाँ पे। पॉपुलर डिशेज आपको यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलेगी, जैसे कि लिट्टी चोखा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर खास जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर इस तरफ भी लिट्टी चोखा और आगे पीछे जो है स्टॉल करके यहाँ पर बनाया गया है। बाकी यहाँ पर भाई कई सारे जो है एग्जीबिशन टाइप जो है अलग अलग आइटम्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। राउंड में जो है पूरा पंडाल बना हुआ है, जैसे आप अंदर घुसेंगे फिर आप जो है फूड कोर्ट एरिया में आएंगे, फूड कोर्ट एरिया आप यहाँ पर घूमेंगे। फूड कोर्ट एरिया घूमने के बाद अगर आप इस तरफ आते हैं और इधर से जो है आप यहाँ से पंडाल के बाहर आप निकल जाएंगे, ये देख सकते हैं भाई पंडाल आ गया है यहाँ पर और पंडाल के बाहर आप जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ इस तरह से जो है पूरा पंडाल बनाया गया है कि लोग जो है यहाँ पर आराम से खा पी सके, माता के दर्शन कर सके और उसके बाद जो है उनको बाहर जाने में दिक्कत भी ना हो, आराम से बाहर भी निकल जाए। बाकी भाई यहाँ देखें तो भाई बंगाली डिशेज की तरफ से तो यहाँ पर जो है भाई आपको मटन बिरयानी और चिकन टिक्का ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये देख सकते हैं भाई। वेज और नॉन वेज जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाए, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा और आगे दिखाते हैं और क्या है खास। सभी को जो है यहाँ पर भीड़ दिखाना चाहूँगा कि फूड कोर्ट एरिया में यहाँ पर कितनी भीड़ जो है यहाँ लगी हुई है। आपको चिकन कौरमा, चिकन निहारी भाई यहाँ पर आपको जो है नॉन वेज जैसे कर चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और ज़्यादातर यहाँ पे भाई वेज तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नॉन वेज ही आपको जो है यहाँ देखने को मिलेंगी सारी वैरायटी। ये चीज़ आप यहाँ खासकर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से आगे तक पूरा जो है नॉन वेज आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है और खाने को। बाकी देख सकते हैं भाई यहाँ पर कितनी ज़्यादा ऑडियंस जो है यहाँ पर देखिए कैरियोके सिंगिंग सॉन्ग जो है यहाँ सुनने के लिए बैठी है, ये देख सकते हैं भाई काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पर इस साल दुर्गा पूजा पंडाल में यहाँ पर लगी हुई है, ये देख सकते हैं। अगर ऐसा दिखाऊं तो भाई आगे तक जो है यहाँ तक देख सकते हैं कितनी भीड़ जो है यहाँ लगाई गई है, ये देखिए भाई और दूर दूर से जो है सीआर पार्क को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। बताया जाता है भाई सीआर पार्क पे दिल्ली की सबसे बड़ी जो है दुर्गा पूजा मनाई जाती है। Thank you.
तो भाई यहाँ का जितनी भी जानकारी दी है मैंने आप तक शेयर कर दी है। बाकी माता रानी दुर्गा माता के मैंने जो है आपको यहाँ पर साक्षात दर्शन करा दिए हैं, और यहाँ का जो कल्चरल प्रोग्राम है ये मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी फूड कोर्ट एरिया जो इस तरह बनाया गया था ये सारा मैंने आपको दिखा दिया। बाकी क्या क्या वैरायटी लगाई गई है फूड कोर्ट में ये भी मैंने आप तक दिखा दिया है। तो चलिए भाई अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, और बाहर चलते हैं यहाँ से। चलिए बाहर जाने का रास्ता दोस्तों यहाँ से है, आइए। देख सकते हैं भाई किस तरह जो है यहाँ पर डेकोरेशन की हुई है, देख रहे हैं ट्रीज पे भी लाइटिंग्स कितनी बढ़िया तरीके से की हुई आपको यहाँ नजर आ जाएगी। बाकी भाई बताया जाता है कि दिल्ली का सबसे बड़ा जो दुर्गा पूजा बनाई जाती है वो बनाई जाती है भाई सीआर पार्क में, चित्रांजल पार्क में जो है सबसे बड़ी दुर्गा पूजा होती है, और ये अलग अलग ब्लॉक्स में जो है ये पूरा बटा हुआ है। ये पूरी जो है दोस्तों ये बंगाली कॉलोनी है जिसके अंदर जो है ये पूरा जो है फेस्टिवल बनाया जाता है दुर्गा पूजा का, जिसके अंदर माता जो है अलग अलग फीट अलग अलग साइजेस की जो है दुर्गा पूजा माता जो है लाए जाते हैं, और इको फ्रेंडली तरीके से जो है यहाँ पर दुर्गा पूजा बनाया जाता है हर साल। हर साल जो है अलग अलग तरीके से और सुंदर तरीके से जो है दुर्गा पूजा में जो है माता को अलग अलग तरीके से जो है तैयार किया जाता है, और बनवाया भी दोस्तों अलग ही तरीके से जाता है मूर्ति को, और मूर्ति जो है इको फ्रेंडली तरीके से ही बनवाई जाती है, जो कि आपको जो ये देखने को मिल रहा होगा पंडाल। तो भाई दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग आपको भी पसंद आया होगा। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैंने आप सभी को जो है चित्रांजल पार्क के दुर्गा माता के जो है यहाँ मैंने आप सभी को दर्शन करा दिया है। भाई यहाँ पर मैंने आप सभी को सारी जानकारी आप तक शेयर कर दी है, यहाँ की सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, बाकी फूड कोर्ट एरिया मैंने आप सभी तक दिखा दिया है। बाकी यहाँ पर जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन जो यहाँ पर हो रहा है ये सभी जो है ये मैंने आप तक दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।